शक्ति से हुआ करती हैं। ये वही माँ की पावर है, माँ की वो शक्ति है जो भीमा काली नाम से प्रसिद्ध है। तो इस भांति से उन्होंने नाना प्रकार की व्यवस्थाएं, ये ऊर्जाएं जो है आपके लिए प्रकट की, आपको उनका अनुग्रह मानना चाहिए। आगे पूर्णाहुति में कथा आती है माँ के पूर्ण श्री विग्रह की, ये क्या है? व्यास जी से पूछा गया, जिन्होंने कहा श्री विग्रह क्या है, माँ की अनन्य शक्तियां प्रकट होती हैं, लेकिन ये माँ पराम्बा जो अव्यक्त लोक में वास करती हैं, जो सभी के हृदय की वासिनी है, ये कैसे प्रकट होती है? तो इस कथा को पूर्णाहुति की कथा को आप सुनेंगे कि पूर्व काल की बात है। एक समय भंडासुर नाम का एक दैत्य था। कौन था? भंडासुर नाम का दैत्य था, जो भगवान शिव की घनघोर तपस्या के बल से उसने अमर तत्व प्राप्त किया था। वरदान मांग लिया, पर भगवान ने वरदान दे दिया, अमर तत्व प्राप्त किया। और इसमें इसके दो भाई थे, विशुक्र और विशोद और विशुक्र इसके दो भाई थे। जब ये अमर तत्व को प्राप्त कर गया तो ये सारे चराचर भूमंडल में अपना राज्य स्थापित करने लग गया। स्वर्ग भी जीत लिया, स्वर्ग का राजा खुद बना, पाताल का अपने छोटे भाई को, और मृत्यु लोक का राजा अपने विशुक्र नाम के जो है भाई को बना दिया। तीनों लोगों को पुरस्कृत करने वाला भंडासुर जो है सारी प्रजा को प्रताड़ित करने लगा। अब देवता यहाँ से वहाँ फिर से त्राहिमान करने लगे, विचरण करने लगे, किसकी शरण लें, किसकी शरण लें, क्या करें क्या ना करें। इस भांति से वो सभी देवता एकत्र होके पूर्व की बातों को याद करके, बार बार जब भी हम पे विपत्ति आई है माँ जगदम्बा ने हमारी रक्षा की है, फिर से चले हिमालय की ओर। फिर से कहाँ चले? 9 दिन से यही बात सुन रहे ना, कहाँ चले? फिर हिमालय की ओर चले, हिमालय की ओर चले, कैलाश पर गए और सभी देवता माता पार्वती की तपस्या करने लगे। माँ पार्वती की तपस्या करते करते ये देवता जो है, समय थोड़ा जो बीता तो ये भंडासुर नाम का जो दैत्य था, ये देवताओं के पीछे पीछे वहां पहुंच गया कि इन सब देवताओं को मैं, इनका असली अड्डा जो है कैलाश में, इनके सारे समाधान यही होते हैं, इनको मैं इधर ही निपटा दूंगा। तो भंडासुर अपनी सेना को लेकर कैलाश पर्वत पर चढ़ आया। जब कैलाश पर्वत पर आया तो गणों के अध्यक्ष और देवों के अग्रण्य पूजा के अधिकारी श्री गणेश, माँ पार्वती के लाडले, उन्होंने भंडासुर से युद्ध तो प्रारंभ किया। घमासान हुआ गणों का और राक्षसों का आपस में, तो यह देव दानवों का जो युद्ध था वो बड़ा विस्मयकारक हुआ। इसमें जो है काफी देवगत युद्ध होता रहा, तो गणेश जी मूर्छित हो गए। अब गणेश जी मूर्छित हुए, माँ जब अपने पुत्र को जरा सा भी संकट में, दुख में, पीड़ा में, विपत्ति में देखती है तो माँ को उस समय बहुत क्रोध आता है। माँ पार्वती ने जिस समय देखा गणेश जी मूर्छित हो गए, माता पार्वती क्रोधित हो गई। और जब वो जगदम्बा क्रोधित होती है तो भूमंडल में भूचाल आ जाता है, पर्वत गिरने लग जाते हैं, बादल गरजने लग जाते हैं, उल्का पिंड गिरने लग जाते हैं। ये क्योंकि ये सृष्टि है, ब्रह्मांड सब कुछ उनका बनाया हुआ ना, जब उनको क्रोध आता है तो ये पृथ्वी डोलने लग जाती है, क्योंकि उनकी है ना, रचना उनकी है। आपको मैंने बताया कि अपने अंश से मधु कहता हूँ कि मेदे में कुछ संरचनाएं की और मेद ही हो गई, तुम करो अब अपना कार्य, यही भी जो है। उसके बाद माँ पार्वती जब क्रोधित हो गए, सारा भूमंडल
पटल डोलायमान होने लग गया और माँ जगदम्बा क्रोधित होकर अपनी क्रोधा अग्नि से नाना प्रकार से आयुधों से अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो गई और भंडासुर की सेना को पूर्ण रूप से नष्ट करने के लिए अग्नि के गोले छोड़ने लगी अपने तीसरे नेत्र से। तो ब्रह्मा जी तुरंत प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे, हे जगत जननी, हे माँ, हे दयालु, हे करुणा की सिंधु, वरदान की मर्यादा रखनी पड़ेगी। दिन के दिन महादेव शिव ने इस दुष्ट को अमर तत्व प्रदान किया है। पार्वती ने अपने क्रोध को, क्रोध अग्नि को, क्रोध रूपी उस संपत्ति को वापस समेट लिया, वापस समेट लिया। और माँ पार्वती ने उस समय जो उन्होंने गोले छोड़े थे, आग के गोले, ये भंडासुर वहां से भाग गया। माँ जगदम्बा पार्वती ने देवताओं को कहा, अभी तो वो दुष्ट भाग गया है, लेकिन तुम सुमेरु पर्वत पर जाइए और वहां मेरा तप तप भजन जप जप श्री विग्रह से कीजिए। श्री विग्रह की जब मेरी पूजा अर्चना भजन जप तप आप करोगे तो तुम्हारे कार्य का निवारण हो जाएगा। सभी देवता हिमाचल पर्वत पर मां त्रिपुर सुंदरी ललित अम्बा के सहस्त्र नामा पाठ से, सहस्त्रों उनके नाम है, उससे उनके श्री विग्रह का वहां पे निर्माण करके पूजन करने लगे। और इनका जो श्री विग्रह है उसमें सारी ऋचाएं आ जाती है, सारे भूमंडल का सब कुछ इसमें आ जाता है। ललिता शास्त्र श्री माता श्री महाराज श्रीमद सिंहासन श्री हिदग्ने कुंड संभूता देव कार्य समद्भुता, सदैव देव के कार्यों के लिए वो प्रस्तुत होती है। अब देवताओं ने क्या किया, ललिता शास्त्र नामा से नाना प्रकार के पुष्पों से, नाना प्रकार के अमृतों से, दुग्ध से, अनन्य प्रकार के वन्य फूलों से, सुगंधों से माँ श्री ललित अम्बा का पूजन अर्चन शुरू किया। उसके बाद यज्ञ प्रिया महामाया जगदम्बा श्री त्रिपुर सुंदरी को उन्होंने यज्ञ के द्वारा नाना प्रकार के यज्ञ की सामग्री, वनों के फल, जितने फल होते उन फलों को एकत्र किया, फूलों को एकत्र किया, रसों को एकत्र किया और उससे माँ जगदम्बा का ललिता सहस्रनामा स्रोत से क्या किया, यज्ञ किया। जब ललिता सहस्रनामा पाठ से यज्ञ किया तो माँ जगदम्बा महात्रिपुर सुंदरी सबकी आत्मा जिनके लिए कहा गया ऐशा आत्मशक्ति ऐशा विश्व मोहिनी पांच अंकुश धनुर्बाण धरा ऐशा श्री महाविद्या, जो विद्याओं की भी विद्या है, जो वेद की भी जननी है, वो श्री मां परांबा अपने श्री विग्रह से प्रस्तुत हुई और यज्ञ कुंड से निकल कर देवताओं की स्तुति सुनकर कहती, तुमने मेरे हजारों नामों से जो पूजा अर्चना उपासना साधना जो की है और ये जो इस समय तुमने यज्ञ किया है, मेरे हजारों नामों से जो यज्ञ प्रस्तुत किया है, इस यज्ञ से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ और तुम्हारा जो भी कार्य है उसे मैं अभी तत्पर करने को हूँ। इसलिए माँ ने उसी समय देवताओं की प्रार्थना पर भंडासुर का शासन रुद्ध किया और भंडासुर को उस योगा अग्नि महामाया के सूत्र ने भस्म कर दिया और उसके सारे सैनिक
सभी को नष्ट कर दिया, सब दानों का नाश हो गया, देवता लोग प्रसन्न हो गए। और माँ जगदम्बा ने देवताओं से जब कहा कि और कोई वरदान चाहिए, तो देवताओं ने कहा माँ हमें कुछ भी नहीं चाहिए। फिर भी माँ ने कहा कि तुम्हें जब भी संकट हो, जब भी कोई समस्या हो, मेरे इस स्त्रोत से, ललिता सहस्रनामा से जो भी प्राणी इस स्त्रोत के द्वारा पाठ करेगा, जप करेगा और इससे यज्ञ करेगा, उसके घर में, उसके पास में सदैव निवास करूंगी। उसके घर में अन्न की, धन की, जप की, तप की, कल्याण की और विद्याओं की उस घर में कभी कमी नहीं होगी। जिस घर में श्री विद्या के इस स्त्रोत का, ललिता शास्त्र नामा का पाठ होता है, यज्ञ होता है, ये मेरा अनुभव है, वहां से महालक्ष्मी, लक्ष्मी नहीं, महालक्ष्मी उसको छोड़ के कभी युग युग तक भी जाती नहीं है। धन संपत्ति वैभव ऐसे इंसान के पास जो मानव ललिता सहस्रनामा से माँ जगदम्बा का अर्चन साधना करता है, कभी भी धन संपत्ति ऐश्वर्य मुक्ति मोक्ष ये सब के सब उसके हाथों में जैसे खेलते रहते हैं, ये अकाट्य सत्य है। और ये माँ जगदम्बा ने चारों फलों को देने वाली ये दीक्षा देवताओं को दी।